जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय में वैवाहिक मुकदमों का निस्तारण करते हुए 6 जोड़ों की विदाई जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ द्वारा की गई। लोक अदालत में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि कोई भी बिछड़े हुए पति पत्नी पारिवारिक न्यायालय में वाद दाखिल किए हैं तो उन्हें सुलह समझौता के आधार पर एक दूसरे से मिलाते हुए विधिवत माला पहना कर तथा गिफ्ट और मिठाई देकर उनकी विदाई की जाती है। इसी आधार पर शनिवार को आयोजित लोक अदालत में 6 जोड़ों की विदाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ ने बताया। हाँ, आज बड़े गौरव की बात है कि वैसे तो हर बार तमाम जोड़े सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे को छोड़कर अपने अपने घर बसाने के लिए हमारे द्वारा भेजे जाते रहे, और हमारे फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज श्री देवेंद्र कुमार हैं और आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे सहायक कुछ एडिशनल कोर्ट भी फैमिली कोर्ट में आ रहे हैं, इफ्राक साहब हैं, इन्होंने भी अपने न्यायालय से कई जोड़ों को जाने के लिए तैयार किया है। कुल मिलाकर के 6 जोड़े, मतलब 6 पति पत्नी के रूप में 6 जोड़े जो है यहाँ आए और उनको समझाया बुझाया गया, उनके मध्य जो है सामंजस्य बैठाते हुए उनको समझा करके उन जोड़ों को घर भेज दिया। वो अपना घर पुनः बसाएंगे, पुनः चलाएंगे और कचहरी में अपने मुकदमे न करने की भविष्य में उनको सलाह दी गई है। वो बड़े खुश हैं, आज उनको बाकायदा बड़े सम्मान के साथ यहाँ जिला जज चैम्बर से ही उनको आपस में बधाई दी गई है, उनको माला पहनाई गई है, उनको जो छोटा मोटा जो उनको हम जो दान दे सकते थे या उनका जो पारितोषिक दे सकते थे इस बात का हमने दिया है, और बड़ा हर्षपूर्ण वातावरण में अपने घर गए, और ये हमें बड़ी मानसिक इससे हमें भी बड़ी शांति प्राप्त हुई है कि अच्छा हुआ। हम आशीर्वाद रूप में वाकई कहें, हमने उनको आशीर्वाद यही दिया है कि देखिए उनको समझा करके भेजा है, अब देखिए कचहरी की तरफ मोहम्मद करना, अपना अपने बच्चों को पालिए और जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपना परिवार को बढ़ाएं और खुशहाल में रहेंगे तभी ये संभव है। बस हमारा यही आशीर्वाद मानिए या जो आप इसको समझते हो, और भविष्य में भी हम लोग ये इसी तरह मुकदमों को तय करते रहेंगे और अपना जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, अपना विधिक उत्तरदायित्व है, उस सबको निभाएंगे और समाज में जो कुछ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम संगठित रूप से अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर करेंगे।